आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोग की हत्याओं से पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार वालों को आश्वासन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और न्याय के लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकार जल्द से जल्द पकड़े और उनको कड़ी सजा दिलवाए। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपराधियों के चारगाह बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से असक्षम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हो रही बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर एडीजी, डीजीपी, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगी। अगर सरकार 2 दिन में अपराधियों को नहीं पकड़ पाती तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर न्याय के लिए आंदोलन करेगी। घन्य अपराध हुआ है, नरसंहार हुआ है, दोषियों को तत्काल सरकार पकड़े, उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक में मुकदमा लाकर तत्काल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी यानी फांसी की भी सजा कम ऐसे अपराधियों के लिए है। परिवार पूरा शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश आज अराजकता की भीड़ चढ़ चुका है। जंगल राज कायम है। रोज के रोज कोई ऐसा दिन नहीं बचा है जिस दिन इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं, जहां सरकार को कानून व्यवस्था पर कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को जहां इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बना हुआ है। जंगल राज कायम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार तल्ख टिप्पणी के बाद भी यह सरकार कहीं से कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस विषय और मुद्दों को लेकर एडीजी और डीजीपी और प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगी। अगर 2 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस द्वारा नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पर भी आंदोलन करेगी और इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम। जेएनयू में जिस तरह छात्रों के ऊपर प्रभाव सब आज तो इसको देखिए सर, तभी एक मामला सर और एक इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब